दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल आर के मत सोल्यूशन में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को देखते हैं तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले हमें, ठीक है, मोटिवेशन से भी हम जल्दी से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर दशमलव संख्याओं की तुलना पर आधारित यह प्रश्न, इसे पहले वाले पढ़ने देख दे लिया। डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 7 का पार्ट प्लेलिस्ट बना हुआ, डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना है, डॉक्टर केसी मतलब सुगम विज्ञान क्लास 8 का सुगम विज्ञान का भी प्लेलिस्ट बना हुआ, उसका क्वेश्चन आंसर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अभी फिलहाल इतना ही है और इस चैनल पर भी और भी डेवलप होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसा कि मैथ खत्म होगा तो फिर और भी चीज़ें यहाँ पर लाया जाएगा, ठीक। तो जैसे पहला यहाँ से चौथा क्वेश्चन, तो हम शुरू में बेसिक देखें तो बेसिक देख लीजिएगा क्योंकि बिना बेसिक के समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पांचवा, निम्नलिखित में कौन बड़ा है, तो इससे हम बेसिक में भी देख लेते हैं कि सबसे पहले आप पूर्ण संख्या, जैसे पॉइंट की इधर वाली संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या उधर अगर देखना है, अगर जिसमें जो बड़ा होगा पूर्ण संख्या वो बड़ा, अगर वो सेम होगा तो फिर दशमलव वाली संख्या देखना है, तो पहले आपका दशांश देखना है, फिर शतांश देखना, फिर सहस्रांश देखना है, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, तो सोल्व लिखने के बाद में आप सिंपली देख आप टिक कर दीजिएगा कौन बड़ा, बड़ा छोटा का इस तरह सिंबल लग जाता है, ठीक है। जिधर मुंह बंद है उधर छोटा, जिधर मुंह खुला उधर पे बड़ा होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये पूर्ण संख्या, यहाँ पे पूर्ण संख्या सिर्फ है 7 है, यहाँ पे 0 है, तो ये बड़ा होगा। सिंपली यहाँ पे इस तरह से हम साइन लगा देंगे 0.7, ठीक है। तो ये तो हम ईजी है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कौन बड़ा होगा, तो यहाँ पे 2 सेम है, 2 सेम है, इसमें 0 और यहाँ पे 3, 3 बड़ा है। सिंपली यहाँ पे ये होगा बड़ा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे ऐसे कर देंगे 0.7 में 0 सेम है, 0 सेम है, लेकिन 7 और 5 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। इधर भी 0 सेम है, 0 सेम है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 है दशांश के स्थान पे, तो ये 5 बड़ा है, तो 0.5 बड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 7 सेम, 3 सेम, 3 सेम, 2 5 में 5 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो इधर इस तरह से चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे भी उसी तरह से 2, 3, 8 सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे 5 सेम, 5 सेम, 1 सेम, 1 सेम, 7, 2 में कौन बड़ा, 7, तो ये बड़ा हो गया इधर वाला। अब इसी तरह से यहाँ पे आयत, लंबाई, भार, ये सब निम्न तरह के जो भी इकाई उच्च इकाइयों में बदलने पर आधारित प्रश्न, इसको भी हम वीडियो के बीच में देखेंगे, इसको किस तरह से आपको कन्वर्ट करना नहीं आता तो बहुत ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे आप। जैसे यहाँ पे दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये के रूप में व्यक्त करना, तो सिंपली आपको सबको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो आपको पैसे से रुपये में बदलना, तो बस छोटा से बड़ा बदलना, भागा देना ही पड़ेगा भाई, ये तो हम समझ में आता ही होगा। जैसे कि 17 पैसा है, उसको रुपये में बदलना है, तो भाई 100 से भागा देना पड़ेगा, 100 से भागा देंगे तो 2 है, तो 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, 1 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, यानी 0.17, ठीक है, 0.17 बोलेंगे, ठीक है, रुपया। अब यहाँ पे दूसरा नंबर कुछ है, 15 रुपये 88 पैसा है, तो यहाँ पे इसको भी रुपये में बदलेंगे, तो जो रुपया है उसको पहले हम इग्नोर करते हुए 88 पैसा है उसको हम रुपये में बदलेंगे, तो 88/100, 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे यहाँ पे, यानी 0.88। अब 0.88 ये भी रुपया हो गया, 15 रुपया, तो 15 रुपया में 0.88 जोड़ेंगे, तो पॉइंट इधर दे देते हैं, 0 0 कुछ नहीं है, तो अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 8 8 है, इधर पॉइंट के इधर 0 है, अब इसको जोड़ेंगे तो 88.51, तो इतना रुपया होगा, ये हो गया पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। पैसे में तो शायद बोल रहा था, पॉइंट में बोल रहा था, इकाइयों को मतलब कि पैसे में बदलना है, तो अगर पैसे में रुपया में ही तो बदलना था, ठीक है ना, तो सिंपली हो गया। अब यहाँ पे 735 पैसा है, तो 735 पैसा है, इसको रुपया में बदलना, तो 100 से भागा देंगे, तो 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 7.35 रुपया हो जाएगा वो। इसी तरह से ये भी और ये भी बन जाएगा भाई, ये भी बन जाएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आप ये भी है, तो उसी तरह से 7 रुपया, तो ये रुपया में है, इसको बदलेंगे, 7 को 100 से भागा देंगे, 2 अंक बाद दशमलव 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव 0 पॉइंट, यानी 0.07 रुपया और 7 जोड़ देंगे, पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 0 दे देंगे आप, 0.07 इधर लिखें या 0, ठीक है। अब यहाँ पे 7.07 रुपया आ गया, ये आपका आंसर होगा। आप 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त करना, तो सिंपली यहाँ पे पहला सोल्व लिखेंगे, इसको हम नीचे देखते हैं, समझते हैं किस तरह से कन्वर्ट करना, किसी भी तरह का यूनिट हो, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, और सिंपली हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी छोटा है, फिर इससे सेंटीमीटर से मीटर बड़ा, मीटर से किलोमीटर बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व लिखेंगे, पहला नंबर 5 सेंटीमीटर, इसको पहले मीटर में बदलेंगे, तो 100 से भागा देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से भागा देंगे, तो 0.02 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे दें, तो 0.05 मीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीटर है इसको बदल देंगे किलोमीटर में, या फिर इसको भी यहाँ से डायरेक्ट सेंटीमीटर से भी किलोमीटर में बदलेंगे, तो बात वही पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे 0.05 मीटर था, मीटर से इसको किलोमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 1000 से भागा देंगे, तो 3 अंक बाद दशमलव, ठीक है, दशमलव आओ 3 अंक खिसका देंगे, तो यहाँ पे था, तो यहाँ से 1 0 1 अंक 2 0 2 अंक 3 0 तीन अंक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे 1 2 3 4 0 हो गया, तो यहाँ पे इसे 1 2 3 4 0 बाद दशमलव 0 है, ठीक है। जितना नीचे 0 रहेगा उतना 0 को हम और उधर खिसका देंगे, समझ रहे ना, बायां ओर। अब यहाँ पे दूसरा नंबर 5 किलोमीटर 5 मीटर है, तो इसको सिंपली कन्वर्ट करना है कि इसमें
किस में कन्वर्ट करना था, दूसरा नंबर आपका 5 किलोमीटर, 5 मीटर को किलोमीटर में व्यक्त करना, तो किलोमीटर में तो ये है ही, ठीक है। तो इसको हम सिंपली किलोमीटर में बदल कर फिर किलोमीटर किलोमीटर दोनों जोड़ देंगे, सेम यूनिट जुटेगा तो किलोमीटर किलोमीटर जुटेगा तो भाई जोड़ देंगे। यहाँ पे 5 मीटर है, इक्वल है, इक्वल में 5 1000 होता है आपका, तो 1000 से भागा देंगे, ठीक है। तो 1000 से 3 अंक बाद दशमलव, तो 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, अभी आ गया किलोमीटर में, ठीक है। अब किलोमीटर में आ गया तो यहाँ पे 5 किलोमीटर फेल है, इतना किलोमीटर इसको जोड़ेंगे, दशमलव वाला जोड़ तो अभी ऊपर उतना देखे तो बन जाएगा, ठीक है, 5.005 किलोमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, 45 मिलीमीटर को सेंटीमीटर मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त करना है, ठीक है। तो 45 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में आपका यहाँ पे सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है, मीटर में तो आपका और ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले इसको हम 10 से भाग देंगे, मिलीमीटर सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप सेंटीमीटर से तो पहले पता है, मीटर में बदलना तो सिंपली 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे, यहाँ पे दशमलव था 2 अंक बताओ, इधर दशमलव 1 2 अंक बाद दशमलव, इधर आ गया, मीटर में हो गया ये। अब मीटर से फिर से किलोमीटर में बदल देंगे तो यहाँ पे ये मीटर में आया था, यहाँ पे किलोमीटर बदलेंगे, 1000 से भाग देंगे तो 1000 से भाग देंगे, 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव था तो 1 अंक 1 2 3 अंक बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 अंक बाद दशमलव, यानी 1 2 3 4 0 हो गया, 1 2 3 4 0 बाद दशमलव किलोमीटर में हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम यहाँ पे इस तरह से सबसे यहाँ पे मिली सबसे छोटा होता है, मिली से भी बड़ा होता है, सेंटी सेंटी से बड़ा होता है, डेसी डेसी से होता है, मीटर मीटर से भी बड़ा, डेका डेका से भी बड़ा, हेक्टो है यहाँ पे सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा नहीं लेकिन इससे बड़ा किलो होता है, ठीक है। अब किलो है यहाँ पे सीरियल नंबर से लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे देख रहे हैं मिली तो मिली, अब खाली मिली ही लिखा हुआ है, लेकिन मीटर रहेगा तो सबको मिली मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर इस तरह से बोलिएगा, लीटर रहेगा तो मिली लीटर सेंटीलीटर डेसीलीटर, है ना। अब मीटर के यहाँ पे ग्राम हो गया या लीटर हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये था, ये सिंपली है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर अगर हम जाएंगे, यानी इधर भाग रहा है, ठीक है, यानी बढ़ रहा है, यानी भाग रहा है आगे की ओर, तो भागा देंगे, यानी छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो भागा देंगे, लेकिन बड़ा से छोटा की ओर आएंगे, यानी अपोजिट, भागा का अपोजिट आएंगे तो गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम देख रहे हैं सबसे पहले कि अगर कोई बोल दे एक डेसीमीटर में कितना मिली डेसीमीटर, तो भाई मिलीमीटर बोलेंगे इसको, ठीक है। तो एक डेसीमीटर में या फिर लीटर में या फिर डेसीग्राम में कुछ भी, तो इतना में कितना मिलीग्राम या मिलीलीटर मिलीमीटर होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है तो हमको पता नहीं, तो इससे यही टेबल आप याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे आप बोल रहा है एक डेसी में कितना मिलीलीटर, तो एक डेसी में एक डेसी लिख देना है, एक डेसी में कितना मिलीलीटर, तो यहाँ पे एक लिखना है, जहाँ तक पूछ रहा हूँ वहाँ पे जीरो जीरो लिख देना, वहाँ तक, यहाँ तक जीरो, तो दो ही है, ठीक है, दो जीरो। अब देख रहे हैं हम इधर जा रहे हैं ना, तो गुना, गुना मतलब सिंपली एक में गुना, एक में क्योंकि एक से है तो एक में गुना, तो एक ही एक, क्योंकि एक डेसी पूछ रहा है तो एक डेसी में एक से गुना करेंगे, यानी कि 100 है ये, 1 पर 2 0 मतलब हुआ, इधर ये उल्टा नहीं लिखेगा, 1 पर 2 0 मतलब कि 100 मिलीमीटर, तो भाई मीटर, लीटर तो भाई लीटर, डेसीमीटर जो भी हो, डेसीमीटर तो डेसीमीटर, लीटर तो लीटर, यानी एक डेसी में आपका 100 होता है, मीटर तो मीटर, लीटर तो लीटर, ठीक है। उसी तरह से अगर हमसे पूछ दे कि सेंटी में, एक सेंटी में कितना हेक्टो या कितना किलो भाई, ठीक है, तो एक सेंटीमीटर की बात करें तो एक सेंटीमीटर में कितना हेक्टो, तो हेक्टो बोल रहा है तो यहाँ तक जीरो दे देना है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4, यानी 1 पर 4 0, लेकिन यहाँ पे हम जा रहे हैं इधर बड़ा की ओर जा रहे हैं, यानी भागा में आएगा भाई, ऊपर एक पूछ रहा है एक से, तो एक में भागा दे देंगे, 1 पर 1 2 3 4 0, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में इतना आपका हेक्टो होगा, ठीक है, इतना हेक्टो, मीटर तो मीटर, लीटर तो लीटर, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से हम बड़ी सिंपल तरीके से इसको हम बना सकते हैं, जहाँ जिसको पूछे वहाँ पे एक, और बाकी जहाँ तक पूछता हूँ वहाँ पर जीरो। अब देखना हम कि इधर जा रहे हैं तो भागा में गुना में, एक तो अभी तो एक ही सिंपली निकालेंगे, दो रहता तो 2/1000 हो जाता है ना, 3 तो 3, और 3 रहता तो 3 से गुना करते सिंपली, हाँ तो एक से होता है। तो ये सिंपली था, इसको याद रखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये आपका सिंपली 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को केजी में व्यक्त करना है, तो केजी में ग्राम, 1 केजी में हमको पता ही है, आप देख लिया ग्राम यानी जो मीटर वाला था वहाँ पे कितना था, 1000 होगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे सिंपली 1000 से भागा देंगे इसको ग्राम में बदलने के लिए, यानी 3470 में 1000 से भागा देंगे तो 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, यानी 3.470 kg हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सभी में 1000 में इसमें भी दे देंगे, 200 ग्राम है तो इसमें भी दे देंगे,
चौथा में भी। अब तीसरा में जैसे यहाँ पे 4 KG तो है, लेकिन 8 जो है उसको KG में बदलेंगे तो 1000 से भागा देंगे तो 3 अंक बाद दशमलव 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद दशमलव 0, यानी 0.008 KG हो गया ये, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे 4 KG में, ठीक है, तो जो भी टोटल आएगा वो KG हो गया। तो पहले देखेंगे इस तरह से, उसी तरह से इसको, उसी तरह से 15 KG है तो इसको सिर्फ KG में बदल देंगे, फिर KG दोनों को जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा, ये टोटल KG में एक्सचेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन, श्याम ने इतना सेब और इतना आम खरीदे, सरला ने इतना संतरे और इतना केले खरीदे, किसने अधिक खरीदे? तो पहले तो कितना अधिक खरीद, किसने अधिक फल खरीदा, तो सेब हो या आम हो सब फल है, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इसका श्याम का फल और टोटल इसका फल, दोनों को जोड़ने के बाद में देखेंगे किसका बड़ा है, तो अंतर करके देखेंगे कौन बड़ा है, तो ऐसे देखने से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि श्याम द्वारा खरीदा गया फल इतना और प्लस इतना, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 × 2 = 7 KG यहाँ पे सिंपली जोड़ेंगे। इसको पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं, 5.300 और 2.250, ठीक है, क्योंकि आप इसको चेंज कीजिएगा किलो में, इसको चेंज कीजिएगा किलो में तो फिर जोड़ेगा तो पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली जोड़ेंगे 0.005, 0.5, 3, 2, 5, ये ग्राम में था, ग्राम में, उसके बाद 5 × 2 = 7 KG इतना हुआ, और यहाँ पे सरला द्वारा खरीदा गया फल इतना इतना, इसको जोड़ेंगे तो आपका 8 KG 950 ग्राम आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 7 KG यहाँ पे 8 KG, तो सबसे बड़ा तो ये है भाई, जैसे कि कंपेरिजन करने के लिए बताया तो ये बड़ा हो गया या तो लिखेंगे आता सरला ने अधिक खरीदा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 28 किलोमीटर इतना से कितना अधिक है, यानी इससे ये कितना अधिक है, तो अधिक तो है ये, अधिक तो है ये, तो 42.6 किलोमीटर में हम 28 को घटा देंगे तो जो भी ज़्यादा अंतर आएगा वो उतना अधिक होगा। तो यहाँ पे घटाने के बाद में यहाँ पे लिख देंगे 14.6 किलोमीटर में घटाएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट वाला किस तरह से घटाएं, 42.6 था उसमें 28.0 कुछ नहीं तो पॉइंट यहाँ पे 0 और 6 0 गया तो 6 पॉइंट और 12 में 4.5 गया 4 3 में 1 गया 2, इतना आया तो इतना मतलब कि लिख देंगे आता, मतलब इतना से इतना कम है जो बोल रहा उतना लिख देगा कम है, ठीक है, इतना कम है वो जो 28 था वो इतना कम है, कितना कम है, 14.6 किलोमीटर कम है। दूसरे नंबर में वो ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, 210 रुपया 45 पैसा जो 102 रुपया 30 पैसे से कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, तो घटा कर ही पता चलेगा कि जितना अंतर होगा उतना वो अधिक होगा। तो ठीक है, यहाँ पे अब इसको जो रुपया है पैसा है तो हम 210.5 में लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं पॉइंट में, तो उसको हम इस तरह से लिख दिए 11 नंबर क्वेश्चन में, 210.45 माने से 102.30, क्योंकि पैसा में था, पैसा में था। अब दोनों को जब अंतर करेंगे तो आपका 108.15 यानी इतना रुपया अधिक होगा वो, यानी यहाँ पे देखिए 210 रुपये 45 पैसा 102 रुपये 30 पैसा। अब यहाँ पे इसको रुपया में चेंज करिए, इसको रुपया में चेंज करिए तो वैसे पॉइंट में आ जाएगा, रुपया में चेंज कर दोनों रुपया मिला देंगे फिर इधर भी मिला देंगे तो वैसे ही आ जाए। अब यहाँ पे पैसा पैसा जोड़ेंगे, 5 4 4 में से 3 गया तो 1 5 में 0 गया 5 एक, और यहाँ पे 0 यानी 1 दिया तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 0 था तो 0 का 0 और 2 में से 1 गया 108, इतना यानी 108.15 लिख सकते हैं इसको, तो इतना रुपया वो अधिक होगा। और राजीव द्वारा कुल तय की गई दूरी, तो ये भी तो हल्का ही है, सिंपली 12 नंबर क्वेश्चन में राजीव स्थान पी से क्यू तक गया और पुनः क्यू से आर गया, ठीक है, तो पी क्यू की दूरी इतना है, क्यू आर की दूरी इतना है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर टोटल दूरी तो पूछ रहा है राजीव ने कुल कितना दूरी तय किया, तो राजीव ने कुल इतना दूरी तय किया, यानी राजीव द्वारा कुल तय की गई दूरी 8.3 प्लस 12.8 है, इसको जोड़ेंगे तो 8 × 3 = 11 का 1 बाकी अंत में 1 और 8 × 2 = 10 1 × 11 1 में 1 = 2, यानी 1 अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद दशमलव, ठीक है, इकाई में इकाई जुड़ता है और जो भी स्थान हो सब उसी में सेम जुटेगा। तो इतना किलोमीटर होगा, वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।